आज हम बना रहे हैं मुंबई स्टाइल पाव भाजी। और सबसे पहले हम सब्जियां उबालेंगे। डालते हैं 200 ग्राम गोभी, 100 ग्राम मटर और 100 ग्राम बीटरूट। बीटरूट का इस्तेमाल कलर के लिए होता है और थोड़ा सा मीठा स्वाद भी देता है। 200 ग्राम टमाटर भी, एक चुटकी हल्दी और एक चम्मच देगी मिर्च पाउडर, कलर देगा स्वाद अनुसार। यहाँ पे नमक। अब डालते हैं पानी। अब पानी जो हमें लेना है, एक कप लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। ढक्कन लगाते हैं और इसे हम पकाएंगे 2 सीटी लगने तक। 2 सीटी लग गई है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और जब ठंडा होगा प्रेशर कुकर को खोलेंगे और सब्जियों को मैश कर लेंगे। अब हम लेते हैं एक तवा, और तवा में माही तवा ले रहा हूँ। आपके पास लोहे की तवा है तो आप ले लें, या नॉन स्टिक में बना सकते हैं। मैं लेता हूँ थोड़ा सा तेल और डालते हैं 100 ग्राम बटर। बटर मेल्ट हो गया है, हम डाल रहे हैं 150 ग्राम चॉप किया हुआ प्याज। और भूनते हैं, लाएंगे 150 चॉप किया हुआ कैप्सिकम। कैप्सिकम को उबाल के नहीं डालना चाहिए और इससे फ्रेशनेस रहेगा कैप्सिकम में और स्वाद भी अच्छा आता है। तो हमें प्याज और कैप्सिकम साथ में भूनना है। जब तक हमारा प्याज और कैप्सिकम भूनता है, हम बना लेते हैं एक पेस्ट, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 12 काश्मीरी चिली, 50 ग्राम लहसुन और 30 ग्राम अदरक। मिलाते हैं पानी और हमें इसका एक पतला पेस्ट बनाना है। हमारा पेस्ट बनके तैयार है, ये देखिए। और इसे हम बंद करते हैं और प्याज कैप्सिकम को देख लेते हैं। प्याज के साथ कैप्सिकम अच्छे से भुना है, सो जब हम मैश करेंगे तो अच्छे से गल जाएगा, ये कच्चा नहीं रहेगा। अब इस जगह पे मैं मिला रहा हूँ 1/2 किलो टमाटर कटा हुआ, अब साथ में भुनेंगे। ढक्कन खोलते हैं, देख लीजिए सब्जियां मैश हो गई हैं अच्छे से। अब हम इसे डायरेक्ट डालेंगे तवा पे। बचे हुए पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उसका भी इस्तेमाल करेंगे बाद में, सो इसे निकाल के रख लेंगे। अब मिलाते हैं हाथ से मैश करके आलू। आलू 600 ग्राम है। अब हम डाल रहे हैं पेस्ट जो हमने बनाया था, और थोड़ा सा हम बचा लेंगे जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम डालते हैं पाव भाजी मसाला, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 2.5 चम्मच, ये काफ़ी होगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने सब्जियों में भी डाला था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और अब हम अच्छे से मिलाते हैं। अभी हमें इसे सूखा भूनना है। टमाटर में पानी है और सब्जियां जो हमने उबाली उसमें भी पानी है, उससे हेल्प मिल जाएगी आपको, तो आसानी से मैश हो जाएगा। पहले हमें अभी मैश करना है इसे, अच्छे से मैश कीजिए। और अब हम मिलाते हैं धनिया कोदम्बीर। और धनिया से स्वाद पाव भाजी में बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर डाला करें। थोड़ा सा 1/2 चम्मच हम ग्रीन चिली पेस्ट भी मिलाएंगे और इसे भी साथ में भूनते हैं। थोड़ा और भूनेंगे हम। मुंबई में भी ये जो पाव भाजी बनता है, उनमें जो सब्जियां डलती हैं और जो रेसिपी फॉलो होता है, वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है एक शॉप से दूसरे शॉप में, बट बनाने का तरीका ऐसा ही होता है। कुछ लोग गाजर डालते हैं, गाजर सीजन में हो तो अच्छी बात है। अब हम डाल रहे हैं पानी जिसमें हमने सब्जियों को उबाला था। सबसे पहले हम ये डालेंगे और लेते हैं एक मैशर और अच्छे से मैश करते हैं। जब भी मैश करें तो पानी ज़रूर डालें, अगर सब्जियों का पानी है तो वो डालें, नहीं तो फिर गर्म पानी डाल लें। पानी की सहायता से सब्जियां जल्दी अच्छे से मैश हो जाती हैं। पाव भाजी को बहुत प्यार और लगन से मैश करना है, अच्छे से मैश कीजिए इसे।
जितना मैश करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छे से मैश नहीं हुई है और थोड़ा पानी और लगेगा, तो मैं डालूंगा गर्म पानी। और हम मैश करेंगे। यहाँ पे मेहनत कर ली तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो हमें मिल गई है। अब हम डालते हैं ऊपर से बटर और वापस से थोड़ा कटा हुआ धनिया और इसे फिनिश करते हैं। बटर डालने से अब स्वाद और इन्हेंस हो जाएगा और पाव भाजी में थोड़ी चमक भी आ जाएगी। चलिए देखिए, आइए सर्व करते हैं पाव भाजी। तवा गर्म हो गया है, अब डाल रहे हैं थोड़ा सा बटर और डालेंगे पेस्ट जो हमने बना के रखा था, जिसको बचा के रखा था, और इसे भूनेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और लेते हैं पाव और इसे इस तरीके से आपने पकाना है, हल्का सेकना है और सेम इस तरीके से। अब हम सर्व करेंगे भाजी। हर शहर के स्ट्रीट फूड में एक विशेषता होती है, मुंबई की विशेषता उसका पाव भाजी है। अभी मैंने आपको आसान तरीके से बना के पाव भाजी दिखाया, क्यूब्स बटर। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।